हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा 20 में से 20 सही हो गया। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है न्याय मित्र, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है प्रमुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है? ए ऑप्शन है कोलकाता का, बी ऑप्शन है चेन्नई का, सी ऑप्शन है मुंबई का, डी ऑप्शन है कांडला का। दो नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है। तो मुंबई का बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आतंकवाद है ये मानवकृत आपदा है, और जो सुनामी है ये प्राकृतिक आपदा है, और जो बाढ़ है ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है बिहार। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य है। तो अपना बिहार बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, डी ऑप्शन है मुसोलिन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी ऑप्शन है मोहन राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो लियो टॉल्स्टॉय हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी का, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है।
तो रेगुन मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और जो जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि गुंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है हीरा का, सी ऑप्शन है कोयला का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो गुंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है, तो आप लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा 20 में से 20 सही हो गया, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है क्लोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो क्लोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो जो ये नरोत्तम सिंहानुक थे ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को,
बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है टाका, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है पौंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 प्रश्नों का यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर चुके हैं 20 प्रश्नों को, तो अब आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 16+ आ रहा है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, और परीक्षा तक आपको ऐसी तैयारी आपको करते रहना है। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे 12 से नीचे सही होता है, उनको और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जांचिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और आपका 20 में से कितना नंबर आया ये भी आप हमें बता दीजिए। हम आपके कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना कमेंट हमें बता दीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है चूना पत्थर को। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।